हेलो गाइस, आर 10 थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ इफ यू आर फ्रॉम स्लॉट नंबर 3। सो लेट्स गो थ्रू ऑल द इंस्ट्रक्शन। नंबर वन इंस्ट्रक्शन इज प्लीज टेक योर द टाइमिंग। आपका एग्जाम 4:30 to 6:30 है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 4:30 पहुंचना है, इसका मतलब योर रिपोर्टिंग टाइम इज 3 PM एंड द गेट क्लोजिंग टाइम इज 4:15। तो 3 और 4:15 के बीच में कभी भी आ सकते हो आप। 4 बजे भी जा सकते हो, 3:30 भी जा सकते हो, 3 बजे जा सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि गर्मी का टाइम होगा, सिर्फ रीचिंग सेंटर 3 o'clock, सन धूप होगा, स्पेशली इफ यू आर बेस्ड इन प्लेस लाइक मुंबई, जो अभी समय इज वेरी हॉट एज ऑफ टूडे एंड आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो 3:42 और अभी भी बाहर एकदम गर्म है पूरा। तो वो आपको छाँव का वो सारा अरेंजमेंट करना पड़ेगा बिकॉज हीट स्ट्रोक हो सकता है, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर यूज टू AC एंड यूज टू द इनडोर थिंग्स। स्पेशल ने गैप लिया, मैं बाहर धूप में घूमने की आदत नहीं होती है, तो वहां जाके आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वो सन स्ट्रोक हो सकता है, धूप लग सकती है, तो प्लीज उसका टेक केयर करना। तो हीट कैन प्ले अ इंपॉर्टेंट फैक्टर इनटू योर दिस थिंग। सी आई एम गिविंग यू ऑल दिस इंस्ट्रक्शन बिकॉज दे आर थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ व्हेन इट कम टू द स्लॉट नंबर 1 हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स, स्लॉट नंबर 2 हैव देयर ओन प्रॉब्लम, नंबर 3 हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स। सो नंबर 1 ऑफ कोर्स प्लीज टेक द टाइमिंग। मेरे ख्याल से अगर आप 3:30 का टाइमिंग लेके चल सकते हो कि वहां जाके खड़े, 3 बजे वहां जाके लाइन में खड़े होने का कोई फायदा नहीं, ट्रस्ट मी। वहां बाहर सब बच्चा लाइन में खड़ा 3 बजे धूप में, क्यों छांव में बैठो यार कहीं पे। इफ यू आर टेकिंग योर कार, आराम से बिंदास कार में बैठो, पेरेंट्स को साथ लेके जाओ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आपको कोई भी सपोर्ट सिस्टम है, ट्रस्ट मी इट विल क्रिएट अ वेरी गुड फील गुड फैक्टर, एक सिक्योरिटी आती है। इंस्ट्रक्शन सारी हमने देख ली, इंस्ट्रक्शन आर कॉमन फॉर ऑल द स्लॉट्स। सो द मेन एडवांटेज यू हैव एंड दैट कैन बी प्रॉब्लम एज वेल, यू आर बैटिंग थर्ड ओपनिंग, स्लॉट नंबर 1, स्लॉट नंबर 2, स्लॉट नंबर 3। तो एक पिच रिपोर्ट आ चुकी है कि पिच ऐसा है, क्या नहीं है, क्या है, कैसे खेलना है, वो आपको एक समझ आ चुकी है, स्पिनर ज्यादा है, ये ज्यादा है, ठीक है। तो दैट्स वन एडवांटेज, बट प्लीज डोंट चेंज योर स्ट्रेटजी ऑन द लास्ट मिनट कि भाई मैं 3 बॉलर एक्स्ट्रा खिला देता हूं, नहीं, क्योंकि हर एक का स्लॉट अलग होने वाला है। स्लॉट 1 इज गोइंग टू हैव अ डिफरेंट पैटर्न, स्लॉट 2 इज गोइंग टू हैव अ डिफरेंट पैटर्न, स्लॉट 3 इज गोइंग टू हैव अ डिफरेंट पैटर्न। तो हर एक का पैटर्न अलग होने वाला है, सो डोंट वरी अबाउट दैट कि तुम ये अगर स्लॉट 1 को मैथ बहुत टफ आएगा तो तुम्हें भी टफ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मे बी जिससे तुमने बात की है उसको फंक्शन ग्राफ के क्वेश्चन ज्यादा आ गए तो उसको पेपर टफ लग रहा है और वो टॉपिक छोड़ के गया था, ठीक है। और मे बी तुम फंक्शन ग्राफ करके गए हो, उल्टा भी हो सकता है कि उसको अर्थमेटिक के क्वेश्चन ज्यादा आ गए, उसका सॉन्ग एरिया था अर्थमेटिक, ही परफॉर्म्ड वेल, और तुम्हें 12 के बोला, अरे पेपर बहुत शांत था, और तुम वही सोच के गए। सो दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम, सो प्लीज डोंट गेट इन टू दैट थिंग। द ओनली थिंग यू कैन ट्रस्ट इज लास्ट ईयर का पेपर्स, ठीक है। लास्ट ईयर के पेपर 2022, 2021, 2020, ये तीनों स्लॉट के पेपर आपको करके जाने हैं, तीनों के हर स्लॉट का। ट्रस्ट मी आई कैन बेट ऑन दैट पेपर विल बी बेस्ड ऑन लास्ट 3 साल का पेपर, बिकॉज कैट में क्या हो रहा है कि कैट में दे हैव मेड द पेपर इन सच अ वे दैट तुम्हारा टाइमिंग योर दे मेड अ क्वेश्चन बैंक, उसमें से क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो यू कैन सी लॉट ऑफ सिमिलर क्वेश्चन आर कमिंग एवरी ईयर, तो अगर आप ये फॉलो कर सकते हो दैट्स अ मच बेटर थिंग टू डू, ठीक है। अनदर प्रॉब्लम विच विल फील इन द एग्जाम इज 3 बजे जो नींद आती है, दोपहर को जो सोते हैं लोग, जो लोग कॉलेज जाते हैं जॉब करते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट जो घर पे बैठे हैं गैप ईयर, दोपहर को सोने का जो मजा है मेरे से पूछो। मेरे को दोपहर को सोना भैया 1 घंटा, चाहे बार आग लगी हो मुझे दोपहर को सोना ही सोना है, ठीक है। तो प्लीज उसको आप टेक केयर करना। तो ये भाई का एडमिट कार्ड मैंने गलती से डिटेल दे दी आपको, प्लीज इग्नोर दिस डिटेल्स, ठीक है, जिसने ऐसा एडमिट कार्ड शेयर किया। ऑफ कोर्स आई प्रॉमिस हिम दैट योर पर्सनल डिटेल विल नॉट बी शेयर्ड एनीवेयर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट टू बी टेकन केयर ऑफ इज ट्रांसपोर्टेशन। आप कैसे जाने वाले हो, प्लीज देखो, फॉर एग्जाम्पल भाई का सेंटर पालघर में है, तो पालघर कैसे जाएगा, तुम ट्रेन में जा रहे हो कि तुम कैब में जा रहे हो कि बस में जा रहे हो। माई एडवाइस इज इफ मनी इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम प्लीज टेक अ कैब, बिकॉज योर कंफर्ट लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम वहां जाके एकदम पसीने में पहुंच रहे हो, फील गुड फैक्टर नहीं आ रहा, आई वॉन्ट यू टू बी रिलैक्स्ड। सो अगर आप डैड आपको ड्राइव कर सकते हैं, संडे है मोस्ट ऑफ टाइम पेरेंट्स है वो हॉलीडे, तो अगर आप फैमिली के साथ रहते हो या अपने दोस्त को किसी को साथ, गर्लफ्रेंड को साथ लेके जा सकते हो, बॉयफ्रेंड को साथ लेके जा सकते हो, गर्लफ्रेंड नहीं आएगी, बॉयफ्रेंड फिर भी आ जाएगा, गर्लफ्रेंड नहीं आती है, मेरे को ऐसा लगता है, दैट्स माय पर्सनल व्यू, कि जा तेरा एग्जाम है तो जा, ठीक है। ऑलराइट, लास्ट का पेपर हमें करना है अच्छे से, ये सारी चीजें हमें देख के जाननी है। Questions will not be same, so please don't ask your friends from slot 1, slot 2. उल्टा ज्यादा प्रेशर लेना मत यार, पब्लिक बहुत ज्यादा प्रेशर में आता है। अच्छा स्लॉट 1 में ये सब हुआ, स्लॉट 2 में ये सब हुआ, ओ शिट, उसमें ज्योमेट्री क्वेश्चन 4 आ गए, उसको ज्योमेट्री क्वेश्चन 4 है, तेरे को भी 4 आएंगे, ऐसा नहीं होने वाला,
मे बी तुम्हारे केस में अर्थमेटिक के ज्यादा क्वेश्चन होंगे, सो देयर इज नो फिक्स्ड पैटर्न फ्रॉम दैट दैट वे. या फॉर एग्जांपल वर्बल में इन्फ्रेंस वाले स्लॉट वन में दो क्वेश्चन थे, स्लॉट टू में चार क्वेश्चन थे, स्लॉट थ्री में छह क्वेश्चन थे, कैन यू बिलीव सिक्स क्वेश्चन इन आरसी वर बेस्ड ऑन इन्फ्रेंस. नाउ मैं आई कांट प्रिपेयर एज पर दैट. सो बेसिकली जो भी आपकी स्ट्रेटजी है वो फॉल्टर नहीं होना चाहिए, एक स्ट्रेटजी फाइनल कर दो, भी राइट टाइम आ गया टू फाइनलाइज द स्ट्रेटजी एंड फोकस ऑन दैट. ठीक है, ताकि हमारी वहां जाके ये सब गड़बड़ ना हो. ओके ऑलराइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके जाना. संडे का दिन है, हो सकता है वहां पे सेंटर्स प्रिंट आउट की शॉप्स बंद हो या नहीं हो, प्लीज एक दिन पहले ही प्रिंट आउट निकाल लेना. दैट्स माय हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट टू यू कि ये सबसे मॉडर्न इंस्ट्रक्शन है. ये नीचे का इंस्ट्रक्शन सब टाइम पता नहीं, सब बेकार चीजें. ये तुम्हारी सबसे ज्यादा मेन इंस्ट्रक्शन है कि टाइमिंग ऑफ द एग्जाम एंड योर एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट और आधार कार्ड, एक साथ में आधार कार्ड होना चाहिए. ठीक है जी, तो स्लॉट थ्री वालों ट्रस्ट मी यू आर इन अ वेरी लकी स्लॉट एंड दिस एग्जाम इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ फॉर एवर. सो बिंदास बेफिक्र होके स्ट्रेस घर पे छोड़ के जाना, जो होगा दिख, तुमने बहुत कर लिया है, जितना तुमने कर लिया है उतना ही वहां जाके प्रोड्यूस कर दिया तो बहुत हो गया. ठीक है, तो इंडियन टीम की तरह हमें स्ट्रेस में नहीं आना है, आराम से अच्छे से बिंदास परफॉर्म करके आना है. जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो होने वाला है, योर किस्मत इज ऑलरेडी सेट. हमारा काम है बस वहां जाके मेहनत करके आना, बाकी जो होगा भगवान भरोसे. ओके, ऑल द बेस्ट.